माननीय उपसभापति जी, मैं माननीय सभी सदस्यों का आभारी हूं। माननीय देवगौड़ा जी जैसे एक्स प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने अपने विचार प्रकट किए, पक्ष के और विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किए हैं। चर्चा सार गर्भित थी। मैं माननीय सदस्यों के विश्वास दिलाना चाहता हूं कि चर्चा में जो सकारात्मक सुझाव आपने दिए हैं उन पर सरकार गंभीरता के साथ विचार करेगी और उनमें से जो व्यवहारिक होंगे निश्चित तौर पर किसानों के हित में सरकार सकारात्मक कदम उठाएगी, उठाने का प्रयत्न करेगी। माननीय उपसभापति जी, भारत अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है। 5000 साल से तो ज्यादा ज्ञात इतिहास है हमारा। जब दुनिया के विकसित राष्ट्रों में सभ्यता के सूर्य का उदय नहीं हुआ था तब यहाँ हमारे यहाँ वेदों की ऋचाएं रच दी गई थी। हमारे यहाँ ऋषियों ने कहा एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। सत्य एक है, विद्वान उसको अलग अलग तरीकों से कहते हैं। इस चर्चा को मैंने इसी रूप में लिया है कि लक्ष्य एक है, किसानों का कल्याण। तरीके अलग अलग हो सकते हैं, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। हम प्रयत्न करेंगे कि सारे सुझाव को समाहित करते हुए आगे बढ़े। लेकिन माननीय उपसभापति जी, जितना हमारा राष्ट्र प्राचीन है उतनी हमारी खेती भी प्राचीन है। हजारों साल पहले से भारत में कृषि होती रही है। हमने बचपन में कई पौराणिक संदर्भ पढ़े हैं। जब ऋषि भी बच्चों को शिक्षा देते थे गुरुकुल में, तब भी उनके पास खेती होती थी और हमारे उस समय के बच्चे सीखते भी थे, पढ़ते भी थे और करते भी थे। इस कृषि को इसी भाव से लेकर हम कैसे किसानों के लिए बेहतर काम कर सकते हैं उसका हम प्रयत्न करेंगे। माननीय उपसभापति जी, मैं तो सीधे सीधे अपनी बात कहना चाहता था, लेकिन जब चर्चा का प्रारंभ हमारे विद्वान मित्र सुरजेवाला जी ने किया तो उन्हें थोड़ा छेड़ दिया। माननीय सभा उपसभापति जी, हम किसी को छेड़ते नहीं हैं, लेकिन अगर कोई छोड़ दे छेड़ दे तो फिर छोड़ते भी नहीं। इसलिए मैं वहीं से आरंभ करना चाहता हूं। बेहतर होता वो आज यहां उपस्थित होते। माननीय उपसभापति जी, उनको याद भी आए तो शकुनी याद आए। शकुनी, चौपड़, चक्रव्यूह और इन सारे शब्दों का संबंध है अधर्म से। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी सुन तैसी। शकुनी मतलब छल, धोखे और कपट के प्रतीक थे। चौपड़ में तो धोखे से ही हराया गया था और चक्रव्यूह मतलब फेरवार नहीं, घेर के मारना। अब कांग्रेस को क्यों चक्रव्यूह, शकुनी, चौपड़ ये याद आते हैं? माननीय उपसभापति जी, जब महाभारत काल में हम जाते हैं तो हमें तो भगवान श्री कृष्ण याद आते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सदाम्यम, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवाभी युगे युगे। हमको तो कन्हैया याद आते, जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म बढ़ेगा, पाप बढ़ेगा, अत्याचार अनाचार बढ़ेगा, तब तब धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए मैं बार बार आऊंगा, ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा था।
लेकिन अनीति और अधर्म किसने किया? ठगी किसने की? माननीय उपसभापति जी, कांग्रेस के डीएनए में ही किसान विरोध है, मैं ये कहना चाहता हूं। ये आज से नहीं प्रारंभ से ही कांग्रेस की प्राथमिकताएं गलत रही है। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, मैं उनका आदर करता हूं, लेकिन भारतीय परंपरा खेती के बारे में उसका निर्वाह नहीं किया। रूस गए, वहां से एक मॉडल देख के आए और कहा कि रूस का मॉडल लागू करो। भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी ने कहा यह नहीं हो सकता, भारत की कृषि की परिस्थितियां बिल्कुल अलग है। प्राथमिकताएं गलत थी उपसभापति जी। 17 वर्ष तक उन्होंने प्रधानमंत्री जी के पद को सुशोभित किया, लेकिन तब क्या होता था? अमेरिका से PL-480 सड़ा हुआ लाल गेहूं भारत को खाने पे विवश और मजबूर होना पड़ा। माननीय उपसभापति जी, स्वर्गीय इंदिरा जी के समय मुझे अच्छी तरह याद है, हम छोटे थे, उस समय किसानों से जबरदस्ती लेवी वसूली का काम होता था, जबरदस्ती लेवी वसूली जाती थी। अगर 2 क्विंटल भी है तो 1 क्विंटल दे के जाओ। बिंडे खोद दिए जाते थे, रखा हुआ अनाज उठा लिया जाता था। भारत आत्मनिर्भर नहीं हुआ। स्वर्गीय राजीव जी ने भी बात जरूर की, उन्होंने बात अवश्य की एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी की, लेकिन किसानों की आय बढ़ाने के लिए कोई सार्थक कदम नहीं उठाए। यहां तक कि माननीय उपसभापति जी, उदारीकरण का प्रारंभ हुआ, स्वर्गीय नरसिम्हा राव जी, मनमोहन सिंह जी उस समय वित्त मंत्री थे, लेकिन उस समय भी कृषि से जुड़े उद्योगों को डी लाइसेंसिंग नहीं किया गया, क्योंकि प्राथमिकता गलत थी। और माननीय उपसभापति जी, 2004 से 2014 के बीच की मैं क्या बात कहूं, उस समय ये भारत जो प्राचीन और महान राष्ट्र है, जिसने दुनिया को ज्ञान का प्रकाश दिया था, उस समय घोटालों के देश के रूप में दुनिया में जाने जाने लगे। 2G 3G 4G। माननीय उपसभापति महोदय, प्लीज। और तब भारत के राजनीति में, आप धैर्य से सुनिए, तब भारत के राजनीतिक चित्र पर उदय हुआ एक दैदीप्यमान सूर्य का, जिसने सारे देश को आशा और विश्वास से भर दिया। उनका नाम था नरेंद्र मोदी। कांग्रेस की प्राथमिकताएं गलत थी। मोदी जी के नेतृत्व में प्राथमिकताएं बदलने का काम, और खेती के लिए माननीय अध्यक्ष जी, हमारी 6 प्राथमिकताएं मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं। 6 प्राथमिकताएं। नंबर 1, उत्पादन बढ़ाना। नंबर 2, उत्पादन की लागत घटाना। नंबर 3, उत्पादन के ठीक दाम देना। और नंबर चार प्राकृतिक आपदा में ठीक राहत की राशि देना। नंबर 5, कृषि का विविधीकरण, खेती में वैल्यू एडिशन। और माननीय अध्यक्ष उपसभापति जी, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी धरती सुरक्षित रहे, इसलिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का प्रयास सुविचारित ढंग से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार, खेती का रोड मैप बना के काम कर रही है। कल क्या रहे थे हमारे मित्र, बजट का जिक्र कर रहे थे, बजट कम कर दिया गया। माननीय उपसभापति महोदय, ये बताना चाहता हूं, कृषि के लिए बजटीय आवंटन
2013 और 14 में था केवल 27,663 करोड़ रुपया, 2024-25 में ये बढ़कर हो गया 1,32,470 करोड़ रुपया। और ये केवल कृषि विभाग का है, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर जोड़ दिए जाए तो माननीय अध्यक्ष महोदय इसमें फर्टिलाइजर की सब्सिडी भी अगर जोड़ दी जाए तो फर्टिलाइजर, सहकारिता, पशुपालन, डेयरी, फूड प्रोसेसिंग, फिशरीज, इन सबको जोड़ दिया जाए तो ये बजट बढ़ के हो जाता है। ये इनका 1,32,000 तो मैंने बताया कृषि, 152 एलाइड सेक्टर और फर्टिलाइजर सब्सिडी वगैरह सब जोड़ दी जाए तो इसमें 1,75,446.55 करोड़ और जोड़ेगा मान्य। आपके समय तो ये डिपार्टमेंट एक थे, आप कितने देते थे माननीय उपसभापति जी? बजट का पर्याप्त प्रावधान है और इसमें सिंचाई तो जोड़े ही नहीं, सिंचाई तो जोड़े ही नहीं। जल शक्ति मंत्रालय अलग है, वो सिंचाई के प्रबंध के काम में लगा है। उत्पादन अगर हमको बढ़ाना है तो माननीय उपसभापति जी पहली प्राथमिकता होगी किसानों के सूखे खेतों में पानी पहुंचाने की। ये हमको करना पड़ेगा, बिना पानी के खेती नहीं होती। और आज मैं कहना चाहता हूं सिंचाई की व्यवस्थाओं में बरसों तक कांग्रेस की सरकार रही, कभी उतनी गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया। मैं एक नहीं अनेकों उदाहरण दे सकता हूं। मध्य प्रदेश में अगर देखें तो कांग्रेस, राजा, नवाब, अंग्रेज सबने मिला के सिंचाई की व्यवस्था की थी केवल 7.5 लाख हेक्टर में, और जब हमारी सरकार आई तो बढ़ा के हमने कर दी थी उसको 47.5 लाख हेक्टर, और उसको बढ़ा के 65 लाख हेक्टर पे लगातार हमारा काम चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, रिवर लिंकिंग की बात उनने की, और रिवर लिंकिंग के प्रोजेक्ट को अगर सबसे पहले साकार किसी ने किया तो गुजरात में जब मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी तो उनने किया, नर्मदा जी के पानी को कई नदियों में प्रवाहित करके उन्होंने जो नदियां समाप्त हो गई थी उनको जीवित करने का काम किया। भाजपा शासित राज्यों ने कई जगह काम किया, मध्य प्रदेश में भी मैं जिनका बहुत आदर करता हूं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे आदरणीय दिग्विजय सिंह जी भी यहां बैठे, जब रिवर लिंकिंग की बात आई और यह कहा गया कि क्या नर्मदा जी को छिप्रा जी से जोड़ा जा सकता है, तब उत्तर था उधर से कि नहीं, इम्पॉसिबल। हमने कहा संभव शब्द हमारे शब्दकोश में नहीं है, और तय किया कि नर्मदा जी के पानी को छिप्रा जी में ले जाएंगे और ले जाके दिखा देंगे। नर्मदा छिप्रा, नर्मदा जी गंभीर, नर्मदा जी पार्वती, नर्मदा जी काली सिंध, सबको जोड़ने का काम हुआ, और आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कैन और बेतवा को जोड़ने के प्रोजेक्ट को भी स्वीकृति दे दी गई है। 20 लाख एकड़ जमीन में सिंचाई पहली प्राथमिकता होनी चाहिए थी। बाण सागर जैसे बांध एक नहीं अनेकों बरसों तक पूरे नहीं हुए क्योंकि खेती किसान प्राथमिकता नहीं था। आज मुझे गर्व यह कहते हुए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री सिंचाई योजना पर भी काम चल रहा है, और उसके साथ साथ एक नहीं अनेकों सिंचाई की योजना जिस पर हम काम कर रहे हैं, सूक्ष्म सिंचाई की योजनाओं पर हमारा काम चल रहा है। माननीय सभापति महोदय, मेरा सौभाग्य आपके सामने कृषि पर बोलने का मुझे अवसर मिल रहा है। मैं निवेदन कर रहा था कि पुरानी सरकारों की, कांग्रेस की सरकारों की प्राथमिकताएं गलत थी,
यह सरकार भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की, हमने लगातार प्रयत्न किया, उत्पादन की बात हो रही थी। आज मैं बताना चाहता हूं इन अच्छे प्रयत्नों के कारण सिंचाई के, हमने उत्तम बीजों का आईसीआर ने उत्तम बीज बनाए और अभी भी 109 नई बीज की क्वालिटी हम जारी करने वाले हैं, क्योंकि उपज अगर बढ़ाना है तो अच्छे बीज चाहिए, जलवायु अनुकूल जीव चाहिए, बेहतर सिंचाई चाहिए, अच्छा आदान चाहिए, और 10 साल से मोदी जी के नेतृत्व में ये हो रहा है। और इसलिए उत्पादन अगर आप देखेंगे तो 2023-24 में खाद्यान्न का उत्पादन केवल 329 मिलियन 23-24 में खाद्यान्न का उत्पादन 329 मिलियन टन तक माननीय सभापति महोदय पहुंच गया है। और इस समय अगर हम हॉर्टिकल्चर देखें, बागवानी देखें, तो 23-24 में बागवानी का उत्पादन 352 मिलियन टन तक पहुंच गया है। हम यहां रुकेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे। कल दलहन की और तिलहन की बात हो रही थी, जब उधर की सरकार थी माननीय सभापति महोदय, दलहन का उत्पादन तिलहन का उत्पादन वो प्राथमिकता नहीं थी, लगातार घट रहा था। लेकिन मुझे कहते हुए गर्व है कि दलहन और तिलहन के क्षेत्र में भी अब तेजी से काम हो रहा है और उत्पादन लगातार बढ़ रहा है, उत्पादन बढ़ रहा है, उत्पादकता बढ़ रही है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, कल बात फर्टिलाइजर सब्सिडी पे की गई, आज मैं आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं, आपके सामने आंकड़े रखना चाहता हूं। जब उधर की सरकार थी तब माननीय अध्यक्ष महोदय 13-14 में, माननीय सभापति महोदय 13-14 में फर्टिलाइजर सब्सिडी थी 71,280 करोड़, लेकिन पिछले साल 23-24 में फर्टिलाइजर सब्सिडी थी 1,95,420 करोड़। मैं वर्ष बार बता सकता हूं, 18-19 में 73,435 करोड़, और इस साल कह रहे थे वर्ष बार मेरे पास आंकड़े के घटा दी गई है। आज मैं कहना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, फर्टिलाइजर की सब्सिडी में जितना पैसा लगता है सरकार व्यवस्था करती है, बजट के प्रावधान के अलावा भी अतिरिक्त राशि देनी पड़ती तो दी जाती है। अभी अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण डीएपी के जहाज घूम के आए, लंबा मार्ग तय करना पड़ा, समय ज्यादा लगा, और इसलिए कीमत बढ़ रही थी। हमने उस बढ़ी हुई कीमत का भार किसान पर नहीं डाला और 2625 करोड़ का स्पेशल पैकेज दिया ताकि सस्ता फर्टिलाइजर किसान को मिलता रहे। आज आपके माध्यम से माननीय सभापति जी मैं बताना चाहता हूं, यूरिया के एक बैग पर हमारे विद्वान मित्र अभी संजय जी बैठे हैं, वो बात कर रहे थे कि मात्रा कम हो गई है। माननीय सभापति जी, यूरिया के एक बैग पर 45 किलोग्राम का 50 से 45 हुआ है, लेकिन लागत भी कम कर दी। अब 45 किलोग्राम पर सरकार सब्सिडी देती है 2,100 रुपया, ये मोदी जी की सरकार देती है। किसानों के लिए केवल 266 रुपया में मिलता है, 2,366 रुपए का यूरिया किसान को 266 रुपया में देती है ये मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। माननीय सभापति जी, डीएपी का एक बैग 50 किलोग्राम का सरकार सब्सिडी देती है 1,083 रुपया, कुल कीमत पड़ती है 2,433 रुपया, लेकिन किसान को मिलता 1,350 में। हमने इस कीमत को कभी बढ़ने नहीं दिया, सस्ता खाद मिले, किसान फायदे की खेती कर पाए, इसके लिए एक नहीं अनेकों कदम उठाए गए। माननीय अध्यक्ष, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं
देश के करोड़ों किसान भाइयों और बहनों को यह सस्ता खाद मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार देती रही। मैं पानी की बात कर रहा था, पर ड्राप मोर क्राप, प्रधानमंत्री जी ने मंत्र दिया। पानी की कमी पर कई माननीय सदस्यों ने चिंता जाहिर की थी, अंडरग्राउंड वाटर नीचे जा रहा है, कई जगह सूखे का संकट है, इसलिए पानी की एक एक बूंद हमें बचानी पड़ेगी, और इसलिए सूक्ष्म सिंचाई योजना लाई गई, ड्रिप के माध्यम से, स्प्रिंकलर के माध्यम से, प्रेशराइज पाइप के माध्यम से, नहर में बहता हुआ पानी सीपेज भी होता है, बाष्पीकरण भी हो जाता है, लेकिन सूक्ष्म सिंचाई योजना ऐसी है जिससे एक एक बूंद पानी सीधे किसान के खेत में पहुंचता है, किसान के खेत में जाता है। पिछली सरकार को पानी का महत्व नहीं मालूम था। माननीय सभापति जी, अब सूक्ष्म सिंचाई योजना में अगर आप देखेंगे तो इस सरकार ने 23-24 तक 14-15 से 21,312 करोड़ रुपया खर्चा किए हैं, और हमने तेजी से क्षेत्रफल को बढ़ाने का काम किया है। माननीय सभापति जी, कल कृषि के मशीनीकरण की बात हो, चाय बयान करते चना 3100 आप खरीदते थे, दूसरे हम खरीदते 5,440, मसूर आप खरीदते थे 2950, हम खरीदते 6,425, तुअर आप 4,300 खरीदते थे, हम खरीदते 7,550, उड़द आप 4,300 खरीदते थे, हम खरीदते 7,400, एक एक फसल के रेट। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं आपके माध्यम से देश के किसानों से, दलहन में देश को आत्मनिर्भर बनाना है, आयात पर निर्भरता समाप्त करना है, और जिस सरकार ने फैसला किया कि अरहर हो, मसूर हो, उड़द हो, जितनी किसान पैदा करेंगे पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाए पूरी की पूरी खरीदी जाएगी, एमएसपी पर पूरी की पूरी खरीदी। कल बात कही जा रही थी विद्वान मित्र सुरजेवाला जी, वो नहीं है माननीय सभापति जी, मेरा तो सब्जेक्ट ही खत्म हो गया, बोल के चले जाते। वो कह रहे थे कि पैदा इतना हुआ खरीदी इतनी, पैदा इतना हुआ खरीदी इतनी। एमएसपी काहे के लिए होती सभापति जी? अगर किसान को एमएसपी के नीचे दाम मिले तो वो एमएसपी पे बेचेगा, अगर फसल के ठीक दाम मिले तो एमएसपी पे बेचने नहीं आएगा। अब जानते हैं माननीय सभापति महोदय, मध्य प्रदेश में सरबती गेहूं पैदा होता है, सरबती गेहूं के रेट है 4,000-5,000 रुपया क्विंटल, क्या वो भी एमएसपी पे बिकवाना चाहते हैं? हरियाणा में, पंजाब में, मध्य प्रदेश में बासमती राइस होता है, अच्छे दाम मिलते हैं, कनाडा, अमेरिका। आज भारत का बासमती राइस धूम मचा रहा है, 40,000 करोड़ रुपए का हमने निर्यात किया माननीय सभापति। अच्छे दाम मिलेंगे तो जबरन बेचने आए, तुम तो एमएसपी पे ही खरीदो। दालों के कई बार अच्छे दाम मिलते हैं, और जब अच्छे दाम मिलेंगे तो एमएसपी पे खरीद कैसे होगा? और सब किसान पूरा बेचते नहीं है, अब उनको पता ही नहीं है कि अपने खाने के लिए भी रखते हैं। गांव में कई बार परंपरा है कि किसान कृषि मजदूरों को पैसे नहीं देते, अनाज ही देते हैं। अब उन्हें आंकड़े पढ़ दिए, अब मुझे पता नहीं खेती से मतलब है कि नहीं है। माननीय मंत्री जी, सभी को यह जानने की बहुत आवश्यकता है, अक्सर हम मुद्दा उठाते हैं कि एमएसपी पर कितना खरीद हो रहा है। एमएसपी पर कम खरीद का मतलब किसान की स्थिति ठीक है और उसको कीमत कहीं और मिल रही है। तो आज के दिन सदन की
मेरी बात सुनिए, आज के दिन आवश्यकता है कि हम किसान की समस्या को सही दृष्टि में समझे। किसान एमएसपी का फायदा उठाना चाहता है। जब वो जानता है कि मैं मार्केट में जाता हूं तो मुझे वो कीमत नहीं मिल रही है, तो ये जो आर्गुमेंट हुआ मुझे भी बड़ी आहत हुआ इस बात को लेकर। और तब मुझे व्यवस्था में कहना पड़ा कि किसान का कैसे समझने की आवश्यकता है। एमएसपी का मतलब किसान के पास मार्केट में कीमत उपलब्ध नहीं है, इसलिए व्यवस्था में किसान को एमएसपी पर बेचना पड़ेगा। अच्छी व्यवस्था यह है कि किसान को वाजिब दाम मार्केट के हिसाब से मिले, और मार्केट जब उसको सपोर्ट नहीं करता है तो एमएसपी आती है। तो एमएसपी में खरीद कम होती है, इसका संकेत है कि किसान की हालत ठीक है। पर एमएसपी का निर्धारण एक लगातार ऊपर चढ़ना चाहिए, और उसकी ओर आप कार्यरत रहेंगे मैं मानकर चलता हूं, वो बढ़ना चाहिए। क्योंकि आप एमएसपी तय करेंगे तो मार्केट फोर्सेस भी कंट्रोल होंगी। धन्यवाद माननीय सभापति जी। सरकार इस पर निरंतर ध्यान रख के काम करेगी, क्योंकि किसान हमारे लिए केवल इंसान नहीं है, अन्नदाता मतलब जीवन दाता, भारतीय अर्थव्यवस्था की कृषि रीढ़ है, और किसान उसके प्राण है। हमारे लिए माननीय सभापति जी किसान वोट बैंक नहीं है, हमारे लिए तो किसान भगवान। किसान की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा है, और वो मानकर ही हम आगे व्यवहार करेंगे। लेकिन बावजूद इसके माननीय सभापति महोदय, धान की खरीदी हो या गेहूं की खरीद हो, जब जब आवश्यकता हुई सरकार ने पर्याप्त खरीदी है। धान की खरीद हमारे 15-16 से लेके 23-24 तक, ये 15-16 में 78 लाख 31,000 किसानों से हुई थी। मेरे पास आंकड़े हैं, मैं एक एक आंकड़ा रख सकता हूं। तत्कालीन सरकार से जब जरूरत पड़ी, कई गुना ज्यादा अगर खरीद की तो मोदी जी की सरकार ने की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। मैं एक एक आंकड़े नहीं रखना चाहता, सदन का समय नहीं लेना चाहता, लेकिन माननीय सभापति जी अगर आप देखेंगे, आप तो खरीदते ही नहीं थे। दलहन 2004-05 से 13-14 तक कितना खरीदा गया? दलहन खरीदा गया केवल 6,29,000 मीट्रिक टन। लेकिन यह सरकार है जिसने 14-15 से 23-24 तक 1,70,00,000 मीट्रिक टन दलहन खरीदा। जब किसान को जरूरत पड़ी हम पीछे नहीं हटे, हम ना तो पीछे हटे और ना किसान कल्याण में पीछे हटेंगे। माननीय सभापति जी, आज मैं आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं, ये सरकार किसानों को निरंतर समर्थन देना जारी रखेगी, मूल्य ठीक मिले, इसके लिए मोदी सरकार प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। माननीय सभापति जी, क्रेडिट की कर्ज की बात हो रही थी, मैं अभी बात कर रहा था प्रारंभ में, सकनी चौपड़ ठगी, ये कर्ज की बात करते हैं अपने घोषणा पत्रों में, केंद्र के और राज्य के, एक बार नहीं अनेकों बार का। जैसे ही हम सरकार में आएंगे सारे कर्जे माफ कर दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इनके नेता गए थे सभाओं में, गिनती गिनते थे, 2,00,000 तक के कर्जे माफ 10 दिन के अंदर, और बोलते थे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 दिन में कर्जा माफ, नहीं तो 11वें दिन मुख्यमंत्री हटा दिया जाएगा। लोगों ने एक बार जिता दिया 18 में, इंतजार करते रहे, 10 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, 1 साल हो गया, कर्जा माफ नहीं हुआ, तो 1.25 साल में फिर से कांग्रेस की सरकार ही चली गई मध्य प्रदेश में। और दोबारा माननीय सभापति महोदय,
दोबारा सरकारें वहां लौट के नहीं आई, क्योंकि ये छल और फरेब और ठगी अगर करती किसान के साथ तो कांग्रेस करती है, कांग्रेस करती है। ये तीन शब्द डिलीट होंगे। मैं क्षमा चाहता हूं माननीय सभापति जी, क्रेडिट और कर्जा माफी, माननीय सभापति जी, अगर हम क्रेडिट की बात देखें, कर्जा कितना मिलता था किसानों को, जब कांग्रेस की सरकारें थी तब किसानों के क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था नहीं थी। मैं आज प्रणाम करना चाहता हूं स्वर्गीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी को, ने किसानों की उस तकलीफ को समझा और किसान क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था के अंतर्गत कम ऋण पर किसानों को कर्जा मिलना प्रारंभ हुआ। माननीय सभापति जी, आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि हमारे छोटे किसान जिनको ऊंची ब्याज की दरों पे साहूकार से कर्जा लेना पड़ता था और उसका भारी ब्याज चुकाना पड़ता था, आज ऐसे किसानों को क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 7% उसमें भी समय पे चुकाए तो 3% और कम किया जाता है, केवल 4% दर पर, 4% ब्याज की दरों पर कर्जा दिया जा रहा है। और ब्याज सब्सिडी के बजट में भी माननीय सभापति 3.6 गुना वृद्धि हुई है, 14-15 में केवल 6000 करोड़ थी, 24-25 में बढ़ के हो गई 22,600 करोड़ रुपया। पिछले 10 सालों में 1,44,000 करोड़ से अधिक की ब्याज सब्सिडी। मंत्री, दिस अमाउंट इज इंटरेस्ट सब्सिडी, इंटरेस्ट सब्सिडी। और अगर क्रेडिट आप देखें तो इनकी सरकार थी तब क्रेडिट मिलती थी केवल 7,00,000 करोड़ की, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है 25,00,000 करोड़ की क्रेडिट, 25,00,000 करोड़। और अभी भी अभियान चल रहा है विकसित भारत संकल्प यात्रा में, जो छूट गए आओ किसान क्रेडिट कार्ड बनवाओ और 3-4% ब्याज की दरों पर कर्जा ले जाओ। कब कांग्रेस के जमाने में ये होता था? माननीय सभापति जी, केवल 10 सालों में जो ब्याज की सब्सिडी है वो 1,44,000 करोड़ रुपया से ज्यादा है। एक बार छोटी मोटी कर्जा माफी हो गई तो उसके बड़े गुण गाते हैं, लेकिन इससे ज्यादा तो हम ब्याज में चुकाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की सरकार है। माननीय, नई बात एक है कि आप 7,00,000 देते थे, हम 25,00,000 करोड़ देते हैं, और किसानों की बात आप क्या जाने। माननीय फसल बीमा योजना, सभापति जी, कभी भी कांग्रेस ने फसल बीमा योजना पर ध्यान नहीं दिया। मैं जब सांसद था पहले, किसान की फसलें खराब हो जाती थी, हम गेहूं के खराब फसल के पूले तत्कालीन मुख्यमंत्री जी के पास ले जाते थे और उम्मीद करते थे कुछ राहत मिलेगी, लेकिन इनके समय ऐसी फसल बीमा योजना थी कि उसकी यूनिट हुआ करती थी तहसील, मतलब एक किसान की फसल खराब होगी राहत नहीं मिलेगी, क्लेम नहीं मिलेगा, एक गांव की खराब होगी क्लेम नहीं मिलेगा, 10 गांव की खराब होगी तो क्लेम नहीं मिलेगा, अगर किसी एक गांव की फसल खराब हो जाए तो भगवान से प्रार्थना करे कि पूरी तहसील की फसलें खराब हो जाए, निपट जाए, तब हमें मिलेगा। यह फसल बीमा योजना चला था, यह फसल बीमा योजना चलती थी, तहसील यूनिट होती थी। मोदी जी के आने के बाद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बनी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। और माननीय सभापति जी, मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, आज मैं बताना चाहता हूं इस फसल बीमा योजना ने पूरे परिदृश्य को बदल के रख दिया है। माननीय सभापति जी, आप तुलना करके देख लीजिए, इनके समय नेस नाम की कांग्रेस की जब सरकार थी फसल बीमा योजना चलती थी,
उसमें ऋण के आवेदन थे केवल 3,51,00,000 और 23-24 में आए 8,69,00,000। जो नॉन लोनी अरणी किसान आते ही नहीं थे क्योंकि ये करते थे केवल किस बैंकों के कर्ज का बीमा। अगर धोखे से क्लेम मिल गया तो वो भी बैंक वाले अपना कर्जा काट लेंगे। किसान के पास क्या आता था? किसान को कुछ नहीं मिलता था, बैंक के लोन का बीमा होता था, किसान देखता रह जाता था। अब अलोनी किसान, नॉन लोनी किसान, इनके समय के बीमा करवाते थे, आवेदन आते थे केवल 20,00,000 और अब आए हैं 5,48,00,000, 27 गुना से ज्यादा। बीमित क्षेत्र माननीय सभापति जी, अब 5,98,00,000 हेक्टेयर हो गया है और कुल बीमित राशि इनके समय 82,000 करोड़ हुआ करती थी, अब बढ़कर 2,71,295,000 हो गई है। आप फसल बीमा की आलोचना करते हैं, किसानों के प्रीमियम, इनके समय किसान प्रीमियम देता था 16,442 करोड़, दावों में 63,617 करोड़ मिले और अब 32,440 करोड़ प्रीमियम और 1,64,000 करोड़ रुपया क्लेम किसान को मिला है। ये अपने आप में दर्शाता है कि किसान को अगर नुकसान होता है तो क्लेम दिया जाता है। ये दुनिया की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है। और माननीय सभापति जी, आज कल कई देश इस योजना का अध्ययन करने आ रहे हैं जिनको अपने यहां फसल बीमा योजना लागू करनी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जब कांग्रेस की सरकार थी एक समस्या और थी, किसानों ने तो देश के अन्न के भंडार भर दिए, उत्पादन बढ़ा, बढ़ा हुआ उत्पादन फसल के उपरांत वो बेचने में अगर समय चाहिए तो रखें कहां, रखने की जगह नहीं थी। मुझे याद है माननीय सभापति जी, एक बार जब शरद जी कृषि मंत्री थे, मैं मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री था, मैं उनके पास आया कि हमें पीडीएस के लिए कुछ अतिरिक्त आवंटन दे दें। उनका दे कहां से दें, तुम प्रोक्योरमेंट कितना करते हो? तब मध्य प्रदेश से ज्यादा प्रोक्योरमेंट नहीं होता था, लेकिन हमने संकल्प लिया और मुझे कहते हुए गर्व है कि कृषि के उत्पादन को मध्य प्रदेश में 2004-05 में जब कांग्रेस की सरकार थी वो लगभग 1,19,00,000 मीट्रिक टन था, बढ़ के उस समय की बात बता रहा हूं मैं, 6,19,00,000 मीट्रिक टन हो गया। अब हमारे सामने समस्या आई कि रखें कहां, खेत में गेहूं, खलहान में गेहूं, रखने की जगह नहीं, क्योंकि बियर हाउस तो कांग्रेस के जमाने में कभी बने नहीं, रखे कहां? और जब रखने की व्यवस्था नहीं थी तो औने पौने दाम पर बेचना पड़ता था, ना कोल्ड स्टोरेज थे, ना बियर हाउस थे, ना राइपनिंग चैम्बर थे, ना ग्रेडिंग सॉर्टिंग की व्यवस्था थी और उसके कारण औने पौने दाम पे कई बार किसान को अपने उत्पाद को बेचना पड़ता था और लॉसेस भी बहुत होते थे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की योजना बनी और योजना बद्ध तरीके से तय किया कि किसान का उत्पाद रखने के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाई। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है माननीय सभापति जी कि बढ़ते हुए भंडारण को बढ़ते हुए उत्पादन को देखते हुए इस एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड, कल कह रहे थे सुरजेवाला जी, इतना प्रावधान था, इतना ही हुआ, अब वो पता नहीं कौन से साल के आंकड़े पढ़ लेते हैं। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है 2020 में प्रधानमंत्री जी ने 1,00,000 करोड़ रुपए के एग्री इंफ्रा फंड की घोषणा की थी और 26 जुलाई 2024 तक, मैं जानकारी अपडेट करना चाहता हूं, 72,222
कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए 40,080 करोड़ रुपया स्वीकृत हो गए, और इसमें निजी निवेश मिला के, क्योंकि जिसने बनाया उसने खुद का भी लगाया, 76,305 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। 13,569 बेयर हाउस, 13,469 गोदाम, 15,443 प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र, 17,899 कस्टम हायरिंग केंद्र, 3,021 छटाई और ग्रेडिंग इकाइयां, 1,892 कोल्ड स्टोर, कोल्ड चैन और 20,338 अन्य प्रकार की फसलों प्रांत प्रबंधन परियोजनाएं और सामुदायिक कृषि पर संपत्तियां बनी है। ये भी किया तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। माननीय सभापति जी, किसान को ठीक दाम मिले इसके लिए नवाचारों की भी जरूरत थी, और इसलिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय कृषि मंडी ई नाम इस व्यवस्था को बनाया गया। एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है ये ई नाम, जो एग्रीकल्चर जिंस के लिए पंजीकृत राष्ट्रीय बाजार के लिए एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से रियल एपीएमसी के नेटवर्क को तैयार करने का प्रयास करता है। 23 राज्यों बताते हुए प्रसन्नता है, 23 राज्यों और 4 केंद्रों में 1389 मंडियों को ई नाम जारी किया गया है। 28 जुलाई 2024 तक ई नाम पोर्टल पर 1,77,00,000 किसान और 2,63,000 व्यापारी पंजीकृत हो गए। ई नाम प्लेटफॉर्म पर कुल 10 करोड़ 3 हजार टन अनाज और इसके अलावा बांस, पान, नारियल, नींबू, मिठाई सामूहिक रूप से लगभग 3.63 लाख करोड़ रुपए का व्यापार दर्ज किया गया है। अगर दूसरी मंडी में कहीं अच्छे दाम मिल रहे हैं तो किसान के पास कोई व्यवस्था नहीं थी कि वो बेहतर दाम पर बेच सके। इनाम के कारण अब ये धीरे धीरे संभव हो चला है और इससे किसान को बहुत लाभ हुआ है। माननीय सभापति जी, हम जानते हैं कि हमारे यहाँ खेत की जोत का आकार छोटा है, 85% किसान हमारे लघु हैं, सीमांत हैं, उनके पास खेती में लगाने को ज्यादा पैसा नहीं होता। अगर खाद खरीदना, बीज खरीदना इंडिविजुअल जाता है तो ज्यादा समय लगता है, पैसा लगता है। अगर उत्पादन हो गया, अकेले को बेचना, उतना हुआ ही नहीं तो ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा लग जाता है। और जरूरत थी कि कोई ऐसी व्यवस्था बनाई जाए या छोटे छोटे किसान एक होके अपना समूह बनाए, सामूहिक रूप से आदान खरीदें, अपने उत्पादन को सामूहिक रूप से बेचे और अगर जरूरत पड़े तो प्रसंस्करण के काम में भी उतर जाए। पहले व्यवस्था नहीं थी, लेकिन एफपीओज की व्यवस्था को भी खड़ा किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर दी। आज 8,875 एफपीओज पूरे देश में काम कर रहे हैं। कहा आपने भी था कि हम ऐसे आयात और निर्यात की नीति बनाएंगे, उत्पादक समूहों कंपनियों की आय वृद्धि में सहायता करेगी, लेकिन इनको तो किसान चुनाव के समय याद आता है, बाकी भूल जाते हैं। वोट बैंक नहीं, माननीय सभापति जी, इंसान है, कांग्रेस की प्राथमिकता कभी किसान नहीं रहे, हमने इंसान मान के काम किया। और इसलिए माननीय सभापति महोदय, इन एफपीओज के माध्यम से, माननीय मंत्री जी, वी हैव टुडे अबाउट 4.5 मिनट्स, वुड यू लाइक टू कंक्लूड टुडे? और माननीय सभापति जी, मेरी विनम्रता पूर्वक प्रार्थना है कि देश के किसान और कृषि की जिम्मेदारी मुझे मिली है तो कुछ बुनियादी चीजें मैं सदन के माध्यम से रखना चाहता हूं, तो मुझे आप अनुमति देंगे, अगले दिन भी आप बोलने का कहेंगे तो मैं रख। ये निर्णय आप कीजिए जी। माननीय सभापति जी, मैं यही कह रहा था
कि भारत सरकार ने 2020 में 6,865 करोड़ रुपए के कुल बजट के साथ 10,000 कृषक उत्पादक संगठन मतलब एफपीओज के संवर्धन और गठन की योजना प्रारंभ की थी, और मुझे खुशी है कि 8,875 बन गए, जिनने 4,165 एफपीओ को 210 करोड़ रुपए की मैचिंग इक्विटी भी जारी की गई है, और उनमें से कई एफपीओज बड़ी सफलता के साथ चल रहे हैं। मैं कई सफलता की कहानियां रख सकता हूं, लेकिन आज वक्त मुझे इजाजत नहीं दे रहा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इस एफपीओ के किसानों के संगठन को हम आंदोलन का रूप देके छोटे और सीमांत किसानों को ठीक दाम मिले और वो फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में भी उतर जाए, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये गरीब किसानों की जिंदगी बदलने का काम करे। कभी ये नवाचार नहीं हुए, इसके पहले कभी नवाचार नहीं हुए। माननीय सभापति जी, मैंने कहा था उत्पादन की लागत घटाना है, एक नहीं अनेकों प्रयास उसके लिए किए गए, एक नहीं अनेकों प्रयास मोदी जी के नेतृत्व में। आप केवल कहते रहे, मैं कांग्रेस के घोषणा पत्र उठा के बता सकता हूं। कई बार कहा हम कुछ प्रत्यक्ष सहायता, 2004 में कहा, 2009 में कहा हम प्रत्यक्ष सहायता कुछ किसान को देने की योजना पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। आपने कभी डायरेक्ट एक पैसा नहीं दिया, मुझे आज कहते हुए खुशी है। छोटे छोटे किसान, लघु सीमांत, कई बार खाद के लिए पैसे की जरूरत पड़ती, कई बार बीज के लिए पैसे की जरूरत पड़ती, तो उनको जाना पड़ता है सूद पर पैसा देने वालों के पास। लेकिन इस तकलीफ को भी कभी कांग्रेस ने नहीं पहचाना, क्योंकि किसान कांग्रेस की प्राथमिकता नहीं रहे। पहचाना तो नरेंद्र मोदी जी ने पहचाना, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, और इसलिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ये वास्तव में किसानों का सम्मान था, उनके भाव का सम्मान था। वो टिक सके कृषि और खेती के काम में, इसलिए इस योजना को बनाया गया। 2004 में आपने कहा नहीं किया, 2009 में आपने कहा नहीं किया, लेकिन आज मुझे कहते हुए खुशी है कि मोदी जी ने 3 किस्तों में 6,000 रुपया हर साल, और ऐसे नहीं डीबीटी के माध्यम से, बीच में कोई बिचौलिया नहीं। एक प्रधानमंत्री जी इस देश में हुए थे जो कहते थे 1 रुपया देते हैं 15 पैसा पहुंचता है, लेकिन मोदी जी ने कह दिया ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। इसलिए 1 डालते हैं तो सीधा 1 रुपया ही पहुंचता है। थैंक यू ऑनरेबल मिनिस्टर, थैंक यू। माननीय सभापति महोदय, 3 किस्तों में जब 2,000 रुपया गरीब किसान के पास पहुंचता है तो वो अपनी तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, और ये पैसा उसके लिए वरदान बन जाता है। मुझे कहते हुए खुशी है कि इस योजना से 3,24,000 करोड़ रुपया इस योजना के अंतर्गत अब तक किसान के खाते में डाला जाता है। लीडर ऑफ द हाउस।